वेलकम टू डाइजेशन फूड हाउस। आज की इस वीडियो में बहुत ही स्पेशल एंड डिफरेंट रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि है क्रीमी फ्रूट्स की। और ये आराम से आप बना सकते हैं क्योंकि इसमें इन्ग्रीडियंट्स ही बहुत कम इस्तेमाल करने वाले हैं, प्लस ये बहुत ही ईजिली बन जाती है। और ये उन लोगों के लिए स्पेशल है जो फ्रूट्स नॉर्मली खाना पसंद नहीं करते हैं, तो इस वे में वो ज़रूर पसंद करेंगे इसे खाना। और इसे बनाने के लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ टू इन्ग्रीडियंट्स आपको चाहिए। फर्स्ट जो है आपको डिज़ायरेबल फ्रूट्स चाहिए, जो भी फ्रूट्स आपको पसंद है आप यूज़ कीजिए। अब एक बाउल लेंगे, हम क्या करेंगे जितने भी फ्रूट्स हैं उसे हम कट कर लेंगे। और जो भी आप फ्रूट्स अगर आप किसी पार्टी के लिए बनाना चाहते हैं या किसी स्पेशल ओकेजन में बना रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, जितने भी फ्रूट्स हैं उसको डिफरेंट शेप्स में कट कीजिए। तो क्या होगा, वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है, प्लस आपको भी अच्छा लगता है इस तरीके से डेजर्ट सर्व करके। तो आप देख रहे हैं ना कि मैंने बिल्कुल ही स्पेशल तरीके से कट किया है, किसी को क्यूब्स में, किसी को बिल्कुल मैंने ट्राइंगल ऐसे शेप में कट किया है, तो ये बहुत ही अच्छा होता है। ये व्हिप करने का तरीका है, तो इस तरीके से आप अपने एमिल व्हिप क्रीम देके आप इस तरीके से इसे कर सकते हैं। ज़्यादा आपको व्हिप नहीं करना है। अब ये फ्रूट्स में हम उस क्रीम को डाल देंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपकी क्रीम काफ़ी अच्छे से और व्हिप हो गई है, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप इसमें क्रीम डालेंगे इसको थोड़ी देर के लिए आप छोड़ भी सकते हैं। देखिए मैं यहाँ क्रीम में पहले फ्रूट्स में आपको डाल के दिखा देती हूँ। तो मैंने ये 200 ml क्रीम दिया था, इसमें हम थोड़ा सा वनीला एसेंस भी डालेंगे ताकि इसका टेस्ट और अच्छे से इम्प्रूव हो जाए। उसके बाद देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ 4 ड्रॉप्स में यूज़ करी, 4 to 5 ड्रॉप्स आप डाल सकते हैं ऑलमोस्ट हाफ टी स्पून के अराउंड। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको मिक्स कर देना है। और ये जो डेजर्ट है फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा लगता है, प्लस इसमें बिल्कुल आपको इस तरीके से फीलिंग आएगी, लग रहा है आप फ्रूट केक को खा रहे हैं, तो बहुत ही लाजवाब डेजर्ट है। प्लस आप देख रहे हैं कि बहुत ही आसानी से बन जाता है। अगर आप किसी बर्थडे पार्टी में बनाना चाहते हैं, तो आप केक भी खुद बना रहे हैं, तो वही क्रीम आप व्हिप करके इसके लिए भी बचा सकते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कितनी आसानी से बन जाती है, और आप इसे आराम से रख भी सकते हैं फ्रिज में, 1 डे आराम से ये रह जाता है। बट कहते हैं ना कि फ्रूट्स को आप कट करके जितना जल्दी खा सकते हैं तो उतनी जल्दी खाइए। देखिए हमारा बातों बातों में ये हम डेजर्ट भी तैयार हो गया, बहुत ही आसानी से बन जाता है। बस क्रीम जैसे ही थोड़ी सी मिक्स हो जाएगी, उसको 5 मिनट्स के लिए आप रूम टेम्परेचर पे ऐसे ही बाहर रख दीजिए, ताकि जो व्हिप क्रीम है वो थोड़ी सी उसमें मॉइस्चर आ जाए, वो लूज़ हो जाए। अब क्या कर कीजिए, इसको सर्व कीजिए, ठंडा करने के लिए आप रख सकते हैं इसमें सर्व करके। और जैसे अगर आप इसे समर में बना रहे हैं, तो आप इसमें मैंगो भी यूज़ कर सकते हैं, तो उसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, प्लस वो कलर भी बहुत अट्रैक्टिव देता है। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, नहीं तो आपके पास जो भी फ्रूट्स हैं आप वो यूज़ कीजिए। तो वो ना कितना हेल्दी भी है, प्लस जो फ्रूट्स नहीं खाते हैं जैसे बच्चे होते हैं, तो आप इस वे में ज़रूर दे सकते हैं। इसे थोड़ा सा चिल करके आप सर्व कीजिए। आई होप आपको मेरी छोटी सी प्यारी सी वीडियो अच्छी लगी होगी, सो प्लीज़ एक बार ज़रूर इसे ट्राई कीजिए इस रेसिपी को, और मुझे कॉमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। इंशाल्लाह नए नए वीडियोज़ के साथ ऐसे ही मिलते रहेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।